ये नारगर फोर्ट करने के बाद, नारगर फोर्ट करने के बाद अभी जो है हम जा रहे हैं जल महल के लिए, और जल महल का व्यू यहाँ से काफी सही है जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा। वैसे तो नीचे जाके मुझे प्रॉपर दिखाना है, लेकिन यहाँ से बात करें व्यू की तो ये देखिए सिटी भी दिख रहा है, माउंटेन्स भी दिख रहे हैं, और ये जल महल, वाओ। अभी ये ऑटो वाले भैया वहीं पे लेके जा रहे हैं, तो हम वहां पे चल। जल महल आते वक्त जो हमें माउंटेन दिख रहे थे, जो मुझे दिख रहा था, मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे माउंटेन होंगे, और मस्त रहा। अभी हम आ चुके हैं जल महल के नज़दीक। वैसे तो अंदर नहीं जाते हैं, हमें बाहर से ही व्यू को एंजॉय करना पड़ेगा, तो देखते हैं भाई। और वैसे तो हमने ऊपर से देखा था, ऊपर का भी व्यू अच्छा था कि हमने ऑटो ले लिया और हमने दोनों चीज़ें देख ली। अब ये जल महल, पगड़ी वगड़ी बांध के तलवार के साथ पूरा व्यू। कितने रुपए में? 50 रुपीज़ ऑनली। 50 रुपए में जूता वगैरह कुछ नहीं आएगा दादा। मेरे फोन में भी फोटो दे दोगे? आपके फोन में खींच दूंगा। नहीं मतलब, मतलब वो जो खींचोगे, मतलब जैसे दादा आप जैसे प्रिंट लोगे ना मुझसे, हाँ कितनी फोटो आपके फोन में डाल दूंगा मैं, सॉफ्ट कॉपी के। कुछ है व्यू जैसा कि इन्होंने कॉस्ट्यूम के बारे में बताया, वो देखते हैं। और फिलहाल ये व्यू, मैं एक सनग्लास को निकाल के देखता हूँ यार। हाँ फिल्टर होके दिखता है ना सनग्लास में, अभी सही दिख रहा है। वाओ ये है जल महल। थोड़ा ये फोटोग्राफी का देखते हैं भाई, 50 रुपये कोई ज्यादा नहीं है। ती मैं ड्रेस पहनूंगा ब्लैक। ये फोटो शोटो करवाने हैं, थोड़ा राजस्थान का, सॉरी ये हाँ राजस्थान जयपुर का वाइब वो मुझे दिखेगा। ये मैंने ड्रेस पहना है, पगड़ी भी होती है। वाह भाई पगड़ी का तो मुझे सबसे ज़्यादा, ये अंदर भी पहनना है पकड़ू। सब ये पगड़ी मुझे बांधना है, सोहे भाई ने मुझे ये पहनाया। ओ वाओ फुल राजस्थानी लुक, लाओ अच्छा लगेगा। ये ले लो सर। ये अब मुझसे कोई भिड़ेगा, अगर कोई भिड़ेगा तो फाड़ दूंगा मैं। तो ये मैंने पहन लिया फुल वाइब में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुझे पगड़ी का वो सही लगा। दूसरों की भी देखता हूँ ना तो वो सही लगता है मुझे, ये पगड़ी वो पहने हुए होते हैं ना राजस्थानी लोग, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये किस पे रखूँ? यहीं रख लो। फोटो वो हमने कराया था और भाई ने ये कॉपी कर दिया यहाँ से, और फोन भी मैंने ले लिया और फोटो मैंने बैग में डाल लिए। अब यहाँ से निकलते हैं। ये है शाहरुख। अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा यहाँ घूम के। अच्छा वहाँ पे लड़कियों के लिए भी वो उस तरीके से ड्रेस, उसको भी पहना के वो फोटो करा रहे हैं। ऐसे ही है, अब क्या ही यहाँ पे घूमना, लगभग हमने सब घूम लिया, अब यहाँ से निकलते हैं। यहीं पे ऊंट की भी राइड हो रही है।
ऊँट की राइड, घोड़े की राइड, बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी वगैरह होती। अभी मैं जा रहा था अपने वो जो है ना रूम की साइड में जा रहा था, यहाँ पे हवा महल का, मैं सोचा नेक्स्ट डे प्लान करूँगा, लेकिन इसके बारे में क्या ही सोचना, बाहर से तो ये मैं देख रहा हूँ, बाकी हवा महल को अंदर से देखेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं सीन दिखाता हूँ। मैंने जयपुर में नारगढ़ फोर्ट को मैंने विजिट किया और वहाँ से जल महल गए, फिर रास्ते में हवा महल भी मिला, हमने वहाँ भी देख लिया। तो इस व्लॉग को, मतलब आई मीन यस्टरडे के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप कि ये आपको ठीक लगा होगा व्लॉग, और आपने भी वर्चुअली एक्सपीरियंस किया होगा जयपुर को। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जयपुर का अगला जो एपिसोड रहेगा या नेक्स्ट रहेगा वीडियो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो उसे भी आप देखिए। और ऋषिकेश के ब्लॉग भी मैंने डाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। ओके, थैंक यू, बाय।